आज मैं आपको बताऊंगी आप पुराने पर्स को रीयूज कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी, अगर आपके पर्स का कोई पैच या कलर निकल जाता है तो उसके ऊपर आप कोई फ्लावर बना के स्टिक कर सकते हैं, या फिर आप कोई अलग से पैच लेके इस पर स्टिक कर सकते हैं इजिली। और मेरे पास ये पर्स है, आप देख सकते हैं इसका जो हैंडल है इसका साइड से कलर निकल रहा है, तो वैसे तो मैं ऐसे ही इसे यूज करती हूँ, लेकिन जब इसका पूरा कलर निकल जाएगा तो इसके साथ ये स्ट्रिप या हैंडल जो भी कहा जाता है इसे, ये लगा के फिर मैं यूज कर सकती हूँ इसे। और मैं जो है मोस्टली अपने पुराने पर्स को जो है स्टोरेज बैग बना लेती हूँ। जैसे कि ये पुराना सा पर्स है, आप देख सकते हैं इसका कलर काफी निकल चुका है और इसमें मैंने अपना मेकअप रखा हुआ है। इसमें काफी स्टोरेज है, लाइक सेक्शन दिए हुए हैं, तो इजिली मैं मेरे ब्रशेस, पैलेट और आईलाइनर, लिपस्टिक अलग से रख सकती हूँ। आप देख सकते हैं काफी कुछ सामान आ जाता है इसमें, जिप वगैरह पॉकेट्स भी इजिली दी गई है, तो काफी कंफर्टेबल है सब चीजें स्टोर करने के लिए। तो आप भी पूछ सकते हैं ब्यूटी एंड फैशन से रिलेटेड कोई भी सवाल बोलो ऐप पर। डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पाए अपने सारे सवालों के जवाब, वो भी हमारे ब्यूटी एंड फैशन एक्सपर्ट से, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डाउनलोड करें द बोलो ऐप।